नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल पे। आज अपना नया टॉपिक है फूड ग्रेड ऑयल, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फूड ग्रेड ऑयल यूज होता है। फूड ग्रेड ऑयल को परचेज कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे स्टोर किया जाता है, इंडेंट कैसे करना है, आगे किस तरह से उसकी यूज करना है, क्लीनिंग में कैसे यूज करना है, उसके बाद फूड ग्रेड ऑयल का मतलब कि गाइडलाइंस क्या क्या है, फूड ग्रेड ऑयल के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन हम लोग रेफर करते हैं, और कौन से ग्रेड का फूड ग्रेड ऑयल हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उसका सर्टिफिकेट जो फूड ग्रेड ऑयल का जो फूड ग्रेड ऑयल सर्टिफिकेट लगता है वो सर्टिफिकेट, और कौन सी कंपनी का फूड ग्रेड ऑयल यूज करते हैं, तो ये सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों, पूरा समझने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट एंडिंग तक, बीच में स्किप मत करना, ताकि हो सके कि अगर स्किप करोगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें आप समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त है जो अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको रिक्वेस्ट है कि जो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फूड ग्रेड ऑयल में प्रिकॉशंस हमको क्या क्या लेनी है। ड्यूरिंग यूज ऑफ फूड ग्रेड ऑयल केयर शैल बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग टू अवॉइड द स्पिलेज ऑफ ऑयल। हम जो भी ऑयल ला रहे हैं तो कि भाई गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस्टली है, और ये कॉस्टली होने के कारण अगर स्पिलेज हो जाता है, गिर जाता है, तो अपना जो कॉस्ट है वो वेस्ट हो जाएगी। ऑयल शैल बी यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ डाइज एंड पंचेस मशीन कॉन्टैक्ट पार्ट्स ब्लिस्टर मशीन पंचिंग टूल ईटीसी। यानी कि आपको जो भी कॉन्टैक्ट पार्ट्स है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, चाहे वो ग्रैनुलेशन हो, कंप्रेशन हो, या कोटिंग हो, कैप्सूल हो, पैकिंग हो, तो जहां भी आपका लुब्रिकेशन लगने वाला है कॉन्टैक्ट पार्ट्स में, वहां आपको ये फूड ग्रेड ऑयल यूज करना है। ठीक है। चेक दैट ऑयल कंटेनर इज क्लीन एंड ड्राई बिफोर ट्रांसफर ऑफ ऑयल इनटू ऑयल कैन फ्रॉम कंटेनर। आप ऑयल कैन से ला रहे हो तो जिस कैन में आप स्टोर कर रहे हो वो आपको पहले क्लीन और ड्राई है कि नहीं इंश्योर करना है। फूड ग्रेड ऑयल वेरिफिकेशन ऑफ फूड ग्रेड ऑयल। जो हम लोग फूड ग्रेड ऑयल ला रहे हैं वो हमारा वेरिफिकेशन करना है, तो उसमें क्या क्या चेक करना है। यूज नॉन टॉक्सिक, जो ऑयल ला रहे हैं हम लोग वो कैसे होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ओडरलेस होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेड ऑयल, ठीक है, और उसकी क्वालिटी कैसे है वो हमको चेक करना है। ये कैसे पता चलेगा, तो वो जो हमने फूड ग्रेड ऑयल मंगवाया है उसके साथ फूड ग्रेड ऑयल सर्टिफिकेट आता है, COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आता है, तो वो हमको मैन्युफैक्चरर से हर बार मंगवाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर और सप्लायर शैल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस COA अलोंग विद द मटेरियल। आपने जब भी ये फूड ग्रेड ऑयल ऑर्डर किया है, इंडेंट किया है, तो उसके साथ आपको COA सप्लायर से आपको मंगवाना पड़ेगा। जब भी आप ऑडिट फेस करोगे उस टाइम पे आपको 101% ऑडिटर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस या फूड ग्रेड ऑयल सर्टिफिकेट आपको मांगेगा, तो उनको आपको प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस यानी कि फूड ग्रेड ऑयल सर्टिफिकेट लगेगा। बिफोर यूज ऑफ इंश्योर दैट फूड ग्रेड ऑयल इज अप्रूव्ड फ्रॉम QC। जो भी आप ये फूड ग्रेड ऑयल ले रहे हो तो ये फूड ग्रेड ऑयल आपको QC से अप्रूव करवा के लेना है। आफ्टर इश्यूएंस ऑफ फूड ग्रेड ऑयल, आपने जब भी फूड ग्रेड ऑयल इंडेंट किया और वेयरहाउस में लिया, इंजीनियरिंग में लिया, जहां भी लिया है, आफ्टर एनालिसिस हो जाएगा QC से, उसमें अप्रूव्ड लेवल लगेगा, और इश्यूएंस करने के बाद स्टोर द फूड ग्रेड ऑयल इन अ चेंज पार्ट रूम। आपके पास चेंज पार्ट रूम होगा या कोई डिजिग्नेटेड प्लेस बना होगा, तो उस प्लेस में आपको उसको स्टोर करना है।
फॉर द क्लीनिंग ऑफ डाइज एंड पंचेज टेक सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल कंटेनर इन टू अ क्लीन एंड ड्राई एसएस ट्रे। आपको जहां भी आपको यूज करना है फूड ग्रेड ऑयल, जैसे कि डाइज है पंचेस है, तो आपको थोड़ा सा ही फूड ग्रेड ऑयल लेना है कंटेनर में या एसएस ट्रे में, और आपको उनको स्मियर करना है, मतलब पतली सी एक परत बना देनी है उनके ऊपर। अप्लाई द थीन स्मियर ऑफ ऑयल ऑन पंच हेड, पंच का हेड है, टिप है, बॉडी है और डाई सरफेस के ऊपर आपको फूड ग्रेड ऑयल लगाना है। इंसर्ट पंचेस इन टू द प्लास्टिक स्लीव्स एंड कीप पंचेस एंड डाइज इन रिस्पेक्टिव डाई पंच कैबिनेट। आपको इनको लगा के डाई आपको डाई पॉकेट में रख देनी है, जो डाई का स्लीव आई होगी प्लास्टिक की उसमें रख देनी है, पंच के लिए पंच स्लीव आई होगा तो उसमें आपको ये पंचेस और डाई आपको रख के टूल रूम में रख देनी है। फिल ऑयल इन ऑयल रिजर्वर ऑफ कंप्रेशन मशीन। कंप्रेशन मशीन पे आपके ऑयल रिजर्वर रहता है जो कि आपको कंप्रेशन मशीन पे यूज करते हैं ऑयल रिजर्वर, तो वो ऑयल रिजर्वर में आपको ये फूड ग्रेड ऑयल फिल करना है फॉर लुब्रिकेशन ऑफ अपर एंड लोअर पंचेस, ताकि ऑटो मोड में या मैनुअल मोड में आप बीच में पंचेस को वो ये ऑयल लुब्रिकेशन करते रहो। अप्लाई थीन स्मेयर ऑफ ऑयल ऑन पंचिंग टूल ऑफ पैकिंग मशीन्स एंड वेन एवर अप्लीकेबल और बिफोर स्टोरेज। जब भी आपके कोई चेंज पार्ट्स है तो उनको अगर आपको फूड ग्रेड ऑयल, ताकि उनका जो फ्रिक्शन हो, लुब्रिकेशन किस लिए चाहिए कि जो भी कॉन्टैक्ट पार्ट्स है उनका फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन अगर होती है तो वहां क्या होगा, वियर एंड टीयर हो जाएगा। वियर एंड टीयर होने से क्या होगा, आपके मेटल पार्टिकल जनरेट हो सकते हैं, वहां कोरोजन हो सकता है, वो पार्टिकल ब्रेकेज होके आपके प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकता है, मिक्सअप प्रोडक्ट मिक्सअप प्रोडक्ट कंटेमिनेशन, ये सब चांसेस होते हैं, तो ये ना हो, इनको अवॉइड करने के लिए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स, चेंज पार्ट्स है उनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो, इसलिए हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि एज पर द रिक्वायरमेंट फिल द फूड ग्रेड ऑयल इन अ वैक्यूम पंप रिजर्वर ऑफ ब्लिस्टर पैकिंग मशीन। जो वैक्यूम पंप ब्लिस्टर पैकिंग में होगा उसमें भी हमको फूड ग्रेड ऑयल फिलअप करना है इफ रिक्वायर्ड एंड अदर पर्पजेज इन द प्रोडक्शन। और जहां भी आपको प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स है या अदर कोई मशीन है जिसमें आपको फूड ग्रेड ऑयल लगता है तो आपको वहां यूज करना है। तो दोस्तों अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड ग्रेड ऑयल का रेगुलेशंस क्या क्या है, मतलब फूड ग्रेड ऑयल के लिए रेगुलेशंस क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या ये कंटेंट करता है, उनकी ग्रेड कौन कौन सी आती है, तो ये सब मैंने यहाँ कवर किया है। तो ये चीजें पूरी ध्यान से सुनिए आप, या आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो फूड ग्रेड ऑयल के लिए रेगुलेशंस आपको लगेगा ISO 21469 का ISO गाइडलाइन है, जिसमें आपको फूड ग्रेड ऑयल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंडीशंस होती है, वो सब यहाँ ISO में दिया हुआ है। एज पर द नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन NSF, इसके हिसाब से भी जो ये संस्था है नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन, इसके हिसाब से भी आपको फूड ग्रेड ऑयल की रेगुलेशंस जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है। और एज पर 21 CFR 178/3750 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, ठीक है, 21 CFR का जो 178/3750 ये जो टाइटल है, इसके हिसाब से क्या क्या फूड ग्रेड की ऑयल की कंडीशंस है, उनके रेगुलेशंस क्या क्या है और कितने परसेंटेज में फूड ग्रेड ऑयल यूज करना है, वो सभी यहाँ इस आपको टॉपिक में मिल जाएगा और उसके हिसाब से आपको फूड ग्रेड ऑयल फार्मा इंडस्ट्री में यूज करना है। तो इट कंटेन्स, जो फूड ग्रेड ऑयल है, इट कंटेन्स पॉली अल्फा ओलेफिन यानी कि PAO, पॉली अल्काइलिन यानी कि PAG
एंड शुड नॉट कंटेन कार्सिनोजन. कार्सिनोजन मतलब कि जो कंटेंट है जो यूज करने से कैंसर होता है, कार्सिनोजेनिक जो भी कंटेंट है वो आपको इसमें यूज नहीं होना चाहिए. म्यूटाजेन एंड टेराटोजेन ये इसमें कंटेंट नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट कंटेन हेवी मेटल्स लाइक लीड, कैडमियम एंड आर्सेनिक. हेवी मेटल्स में लीड, कैडमियम और आर्सेनिक आपका फूड ग्रेड ऑयल में कंटेंट नहीं होना चाहिए. फूड ग्रेड ऑयल का जो ग्रेड्स अवेलेबल है मार्केट में वो कौन कौन सी है यहां मैंने दिया है. तो H1, H2, H3 ऐसे तीन ग्रेड्स जो अवेलेबल होती है मार्केट में. मगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में H1 ग्रेड, ये जो ये ग्रेड दिया हुआ है यही ग्रेड आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करनी है. तो ये किसके लिए होती है? इंसिडेंटल प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स चांसेस इज हाई. जहां आपको कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट का कॉन्टैक्ट पार्ट्स में जहां ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, हाई रिस्क है, वहां आपको H1 फूड ग्रेड ऑयल का ग्रेड यूज करना है. H2 फूड ग्रेड ऑयल जो ग्रेड है, इक्विपमेंट एंड मशीन्स नॉन कॉन्टैक्ट विथ फूड, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट जहां है वहां आपको H2 फूड ग्रेड ऑयल यूज करना है. और H3 जो आता है वो H3 होता है एडिबल ऑयल ऑन इक्विपमेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन लाइक, जैसे कि हमारा कोई ट्रॉलीज है ये सब आता है तो उनमें H3 ग्रेड का फूड ग्रेड ऑयल यूज करते हैं. तो यहां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमको H1 जो ग्रेड है फूड ग्रेड ऑयल की, वो H1 ग्रेड का फूड ग्रेड ऑयल हमको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करना है. फूड ग्रेड ऑयल सर्टिफिकेट कंटेंट्स, जो फूड ग्रेड ऑयल के साथ जो फूड ग्रेड सर्टिफिकेट आता है या उसको COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बोलते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट, उन्होंने क्या क्या कवर होना चाहिए. विस्कोसिटी दी जाती है, और ये फूड ग्रेड ऑयल होते हैं इनकी ज्यादा विस्कोसिटी होती है. अपीयरेंस आता है उसका, कलर आता है, IR स्पेक्ट्रम और ईस्टर कंटेंट एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इतनी सारी इंफॉर्मेशन उस जो फूड ग्रेड ऑयल का सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में आपको दी जाती है. और ये फूड ग्रेड ऑयल का कंटेनर है दोस्तों, यहां जो मैं आपको यहां दिखाता हूं ये यूनिपार FG220 का है, ठीक है. प्रीमियम सिंथेटिक ब्लेंड लुब्रिकेंट है, ये सुमित का है और इसकी कंपनी है दोस्तों क्लूब्लर. ये आपको चाहे तो मैं जूम करके यहां दिखा देता हूं, ये जो कंपनी है इसकी ये देखो, ये कंपनी है क्लूब्लर लुब्रिकेंट्स NA और ये USA की कंपनी है. तो ये यहां आपको ये यूनिपार FG220, अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्वेश्चन की कौन सा फूड ग्रेड ऑयल आप यूज करते हो, तो यूनिपार FG220 का यूज करते हैं. उसकी कंपनी का नाम है क्लूब्लर KLUBER और ये कंपनी होती है USA की. तो ये कंटेनर है जो हम लोग ऑर्डर करने के ऊपर ये आता है. और नेक्स्ट है दोस्तों ये फूड ग्रेड ऑयल सर्टिफिकेट जिसको COA बोलते हैं, तो ये COA भी मैं यहां आपको झूम करके दिखा रहा हूं. तो इसमें आपको देखो आर्टिकल है ये यूनिपार FG220 हमने ऑर्डर किया था, ठीक है, कौन सी डेट में, और इसके कंटेंट क्या क्या उसमें कि मतलब वो कवर करते हैं. तो विस्कोसिटी आती है, फिर अपीयरेंस आता है, कलर आता है, IR स्पेक्ट्रम और ईस्टर कंटेंट, ये चीजें इस सर्टिफिकेट में होती है. और मेन होता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, आपको इसी मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्सपायरी पीरियड है इसके बीच में ही आपको ये फूड ग्रेड ऑयल वैलिड है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपायरी डेट आप ये फूड ग्रेड ऑयल यूज नहीं कर सकते हो. अगर आपको इसका बेसिक अगर और भी कंटेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है तो वो भी मैं आपको यहां जूम करके दिखा देता हूं. जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में आता है इसकी अगर विस्कोसिटी देखोगे तो आपकी आती है 229 विस्कोसिटी है. अपीयरेंस होना चाहिए ब्राइट क्लियर होना चाहिए, कलर होना चाहिए इसका ASTM
करके उनका एक स्टैंडर्ड है 0.5 का दिया हुआ है। आईआर स्पेक्ट्रम पास होना चाहिए और ईस्टर कंटेंट परसेंटेज में होना चाहिए लेस देन 0.1, ठीक है। और ये यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी आ जाती है। तो ये था दोस्तों इसका COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जो आपको मैन्युफैक्चरर जब भी हम लोग फूड ग्रेड ऑयल मंगवाते हैं तो उस टाइम पे ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्रोवाइड करता है। तो ये था दोस्तों फूड ग्रेड ऑयल का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज कैसे करते हैं, क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, कहां से हमने ये ऑर्डर किया, कैसे यूज करना है, क्या क्या इनकी ग्रेड है, रेगुलेशंस कौन कौन सा इसमें होता है। तो आशा करता हूं कि ये पूरा आपको ये समझ में आया होगा। और आपका कोई इसमें डाउट है तो मुझे आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक करते रहो #इंटरव्यू की तैयारी। जय हिंद, जय भारत।